डाउनस्ट्रीम स्विमिंग इन अ फ्लो ऑफ अ रिवर। डाउनस्ट्रीम का मतलब नदी ऐसे बह रही है और ये जो बंदा है सीधा स्विम करने की बजाय रिवर के साथ डाउनस्ट्रीम जंप कर जाता है और स्विम करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वीएस। तो थीटा एंगल विद अ वर्टिकल ये स्विम करता है, तो ये वेक्टर क्या है? वीएस। रिवर कहां फ्लो कर रही है? हॉरिजॉन्टल, तो ये वेक्टर क्या है? यूएस। और नेट वेलोसिटी क्या होगी इनका वेक्टर सम, तो ये क्या आएगा? नेट वेलोसिटी वी नेट। सही है, तो ट्राइंगल थोड़ा शिफ्ट हो गया क्योंकि ये वी एस ट्रेड है, यूएफ इधर है, तो ये वी नेट है। अब अगर नदी ना चलती तो ये बंदा यहां लैंड करता, पर क्योंकि रिवर चल पड़ी तो ये कहां लैंड करेगा? अब जाके सी पे लैंड करेगा। ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है यहां तक? तो ये यहां पे लैंड करेगा। नेक्स्ट है, अब क्योंकि ये वी एस है और रिवर के जो डिस्टेंस है वो डी है, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट, ये याद रखना, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट इस पॉइंट से ही लिया जाता है, बी पॉइंट से। आप कहोगे सर ड्रिफ्टिंग तो ये हो रही है क्योंकि लैंड तो डी पे करना था, किया तो सी पे, हाँ ये भी ड्रिफ्ट का डिस्टेंस है, लेकिन अगर कुछ ना मेंशन हो तो आपने वो डिस्टेंस यहाँ से लेना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ड्रिफ्टिंग लेती है, ये रेफरेंस पॉइंट बना जाता है। तो टोटल ड्रिफ्ट यहाँ से यहाँ तक एक्स डी हो गई। इसके अंदर इस वी एस के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, स्विमर की वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक थीटा के साथ वी एस कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर वी एस साइन थीटा। तो मेरा पहला क्वेश्चन, कौन सी वेलोसिटी से या कौन सी वेलोसिटी इस टॉपिक में इस मैन को ऑपोजिट बैंक पे स्विम करवाने में हेल्प कर रही है? वी एस कॉस थीटा, सही है। कौन सी वेलोसिटी या कितनी वेलोसिटी से ये मैन या स्विमर ड्रिफ्ट होता जा रहा है? वी एस साइन थीटा एंड यूएस, नदी भी तो चल रही है भाई, ये तो इसका कंपोनेंट है तैरने का, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है, रिवर भी तो फ्लो कर रही है, तो नेट दो वेलोसिटीज आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी? यूएफ प्लस वी एस साइन थीटा। तो लिखा हुआ है देखो, रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी काम करेगी? वी एस कॉस थीटा। और ड्रिफ्टिंग में कौन सी वेलोसिटी काम करेगी? वी एस साइन थीटा प्लस रिवर की वेलोसिटी यूएफ। कोई डाउट इसमें? ये पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, कितने समय में रिवर क्रॉस हो रही है? तो एक काम करो, टोटल डिस्टेंस गिवन होगा आपको डी, डी डिस्टेंस को किससे डिवाइड करूं? वी एस कॉस थीटा, जिस तरफ का डिस्टेंस है उस तरफ की ही वेलोसिटी लेनी है। तो आप क्या मार्क करेंगे टाइम को? डी डिवाइडेड बाय वी एस कॉस थीटा। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में डिस्टेंस ए सी गिवन है फिर टाइम क्या आएगा? ए सी डिवाइडेड बाय वी नेट, ऐसे करना है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? पर ज्यादातर क्वेश्चन में एसी गिवन नहीं होता, ज्यादातर क्वेश्चन में विड्थ ही गिवन होती है, तो विड्थ से आंसर आ जाते हैं। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक? तो टाइम भी आ गया, टाइम टू क्रॉस रिवर ये रहा। अब एक्स डी निकालें, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, तो एक्स का डिस्टेंस एक्स डी क्या होगा? एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या है? अभी आपने बताई ड्रिफ्ट की वेलोसिटी क्या है, वी एस साइन थीटा प्लस यूएफ, और कितने समय में वो लैंड कर गया ऑपोजिट बैंक पर टी, और टी हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाल लिया, एक्स डी की वैल्यू आ गई। तो टोटल ड्रिफ्ट का डिस्टेंस भी आ जाएगा यहां से। क्या स्टेप भी क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ड्रिफ्ट की वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। और लास्ट, ड्रिफ्ट डिस्टेंस ड्यू टू रिवर फ्लो इंपॉर्टेंट है। रिवर के फ्लो ने यहां से यहां ड्रिफ्टिंग करवाई है, यहां से यहां की ड्रिफ्टिंग बी से डी वो अपनी मर्जी से ड्रिफ्ट कर रहा है क्योंकि वो टेढ़ा जंप किया था। तो ये जो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस देख रहे हो बी डी, इसका होने का रीजन रिवर का फ्लो नहीं है, इसका होने का रीजन ये खुद है जो इसे जंप किया है। तो अगर आपको ड्रिफ्ट का डिस्टेंस सिर्फ रिवर की वजह से निकालना है तो नदी की वजह से तो वो डी से सी पे लैंड कर रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? आप यहां पर अप्लाई करें, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो कितनी स्पीड से रिवर इसे फ्लो करके लेके जा रही है? यूएफ इनटू टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिवर की ड्रिफ्टिंग पूछ रहा है, रिवर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया ड्रिफ्टिंग में, तो रिवर की ही स्पीड आएगी, उसके तैरने की कोई स्पीड नहीं है, उसने बोला रिवर की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन टोटल ड्रिफ्ट में उसका कंट्रीब्यूशन भी है और रिवर का भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा करना पड़ेगा।